दोस्तों आज मैं आपको वेस्टर्न यूपी के एक ऐसे गांव में लेकर चल रहा हूं जहां पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है और ये स्टेशन देवबन रोड की नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहला स्टेशन है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। फिलहाल काफ़ी ट्रेन देवबन से रुड़की के बीच सहारनपुर के रास्ते 70 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और वहाँ सहारनपुर में ट्रेन का लोको रिवर्सल भी होता है। बाकी मोस्ट ऑफ ट्रेन सहारनपुर को बाईपास करते हुए टपरी हिंडन केबिन बाईपास लाइन से रुड़की की ओर जाती हैं और ऐसे में ये 59 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। लेकिन अब देवबन से रुड़की के बीच भनेड़ा खास और झबरेड़ा होते हुए 28 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन तैयार की जा रही है और आज इसी का काम हम देखने वाले हैं। इस नई रेल लाइन बन जाने के बाद यहाँ से रुड़की का रास्ता अब आसान हो जाएगा, जिसमें काफ़ी समय की बचत होने वाली है। चलिए चलते हैं भनेड़ा खास स्टेशन पर। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है भनेड़ा खास रेलवे स्टेशन और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर देवबन रोड की नई रेल लाइन के अंतर्गत प्रगति पर है। ये डायरेक्शन है देवबंद की और ये डायरेक्शन है रुड़की की और इस पूरे रेल मार्ग की लंबाई 28 किलोमीटर है और ये पहला स्टेशन है देवबन से जब आप रुड़की के डायरेक्शन में चलेंगे, जिसका नाम है भनेड़ा खास और देवबंद यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और अब यहाँ पर पूरा का पूरा एक स्टेशन बनाया जा रहा है। अंदर 2 प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वहाँ दिखाएं तो वहाँ पर भी लगातार काम चल रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर यात्रियों की चहल पहल होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्टेशन तैयार हो रहा है। चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कितने प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर होने वाले हैं और स्टेशन की बिल्डिंग तो आप देख ही रहे हैं किस तरह यहाँ पर बनाई गई है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 2025 तक आप मान सकते हैं, क्योंकि बीच में अर्थवर्क का काम चल रहा है और छोटी बड़ी पुलिया इस बीच बनाई जा रही हैं और कुछ बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। चलिए इससे पहले स्टेशन के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है स्टेशन का वेटिंग हॉल। जब आप स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको टिकट घर दिखाई देगा और यहाँ थोड़ा नीचे चढ़ के आपको ऊपर आना पड़ेगा और इधर अगर आप देखें तो इधर बन रहे हैं 2 प्लेटफॉर्म्स, जिसमें एक मेन लाइन होगी और 3 लूप लाइंस। बाकी यहाँ पर एक गुड साइडिंग भी बनाई जाएगी मालगाड़ियों के लिए, इसलिए यहाँ पर 3 लूप लाइंस होंगी और एक मेन लाइन और फुट ओवर ब्रिज के लिए यहाँ पर गर्डर्स आ चुके हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पर जो प्रीकास्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन्हें यहाँ पर लाइन से रख लिया गया है और कुछ ही टाइम में भर के बस यहाँ पर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अब मैं स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी। ये डायरेक्शन है रुड़की की और ये डायरेक्शन है देवबंद की। इस तरफ से ट्रेन्स देवबंद की डायरेक्शन से आया करेंगी और इस तरफ ट्रेन्स रुड़की की ओर जाया करेंगी और मुझे जितना लग रहा है यहाँ पर 4 ट्रैक्स होने वाले हैं। पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर एक मेन लाइन और 2 लूप लाइन होंगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर 4 ट्रैक्स डाले जा सकते हैं और बीच में फुट ओवर ब्रिज के लिए यहाँ पर फाउंडेशन तैयार कर लिया गया है। बाकी अगले साल तक ये स्टेशन तैयार हो जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रैक्स देखने को मिलेंगे। बाहर स्लीपर्स भी आ चुके हैं और पीछे हमारी स्टेशन की मेन बिल्डिंग। तो दोस्तों ये है भनेड़ा खास रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग जो बनकर तैयार हो चुकी है और इस बिल्डिंग में हमें बुकिंग ऑफिस, आईपीएस रूम, रेलवे रूम वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी स्टेशन मास्टर और जीआरपी का ऑफिस भी यहीं होगा और ये बिल्डिंग यहाँ लगभग तैयार है पूरी तरह। जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो बन चुका है और अगले साल तक यहाँ आपको नया नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीज़न के ज्यूरिसडिक्शन में आएगा और 28 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियो आप भविष्य में भी देख पाएं। और आप इस वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताना। बाकी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा कि क्या काम हुआ है।
ये उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, क्योंकि देवबंद भी यूपी में है और बनेड़ा खास भी यूपी में। इसके बाद अब ये लाइन उत्तराखंड में जाएगी और उत्तराखंड का स्टेशन है झबरेड़ा और उसके बाद रुड़की। और इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ दो नए स्टेशन बन रहे हैं, देवबंद के बाद बनेड़ा खास, झबरेड़ा और उसके बाद अंततः रुड़की। देवबंद और रुड़की दोनों जंक्शन होंगे। इस नई लाइन के तैयार होते देवबंद से रुड़की के बीच की दूरी मात्र 28 किलोमीटर तक सिमट जाएगी। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि किस तरह देवबंद से सहारनपुर होते हुए ट्रेन जब रुड़की जाती है तो सहारनपुर में ट्रेन का लोको रिवर्स किया जाता है और सहारनपुर के रास्ते देवबंद से रुड़की जाने के लिए ट्रेन लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बाकी अगर सहारनपुर को बाईपास करते हुए टपरी होते हुए जाएँ तो वहाँ से ट्रेन लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन यहीं से सीधा रुड़की निकल जाया करेंगी। दोस्तों, ये वो मिट्टी है जो इस प्रोजेक्ट में प्रयोग की जा रही है और मैं इस नए रेल मार्ग का एक विटनेस हूँ, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर ट्रेन्स दौड़ती नज़र आएंगी और उस समय मेरी उम्र कुछ और होगी। नई पानी की टंकी यहाँ पर बन चुकी है और वहाँ पर रेलवे कॉलोनी तैयार की जा रही है। चलिए चलते चलते थोड़ा आगे का नज़ारा देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। ये है रेलवे रोड, पीछे बनेड़ा खास रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ बगल में ही। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर स्लीपर्स आ चुके हैं। खास बात यह है कि ये स्लीपर्स अपग्रेडेड स्लीपर्स हैं और बैलेस्ट भी जो रेल्स के नीचे डाली जाएंगी। बाकी यहाँ पर रेल्स तो नहीं पहुँची है, लेकिन स्लीपर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर बनेड़ा खास रेलवे स्टेशन पर जो काम चल रहा है ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब हमें इससे आगे जाना है देवबंद के डायरेक्शन में और इस बीच हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है। इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे काफ़ी धूल और मिट्टी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो वीडियो अंततः आपके सामने होगा। आई होप बनेड़ा खास का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।